क्या गाड़ी है देखो तुम लोग, डैम भाई गाड़ी आपको सीखनी थी हमसे बोल रहे थे। यहाँ पर शाहरुख खान सर आए थे। तो गाइस यार वेलकम बैक सभी लोगों का अंशु बिश व्लॉग्स में, और आज हम लोग निकल रहे हैं फटाफट से दिल्ली के लिए, क्योंकि एक्चुअल में ना हम लोगों को एक ऑटो एक्सपो में जाना है। मतलब बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल, वहां पर गाड़ियां होती एकदम खतरनाक खतरनाक वाली, और हम लोग भी अपनी गाड़ी में निकल रहे हैं। ये पापा जी, ये सुबह सुबह भाई मैंने पापा से नहीं बोला, पापा भाई पता नहीं कैसे जब भी मैं निकलने वाला होता हूँ तो पापा भाई खुद ही शुरू हो जाते हैं एकदम ही भाई गाड़ी को चमकाने। मतलब पापा को, मेरे को जहाँ तक पता है पापा को मेरे से ज्यादा पसंद है गाड़ी भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, मेरे से ज्यादा गारंटीड पापा को ज्यादा पसंद है। कहीं भी जाए तो दिखे ऐसे कि हाँ यार हमारी गाड़ी है करके, हरियर सिंह बिस्टारी है भाई। मैं तुमसे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट टू गॉड मैं कभी पापा से नहीं बोलता कि लाइक गाड़ी साफ कर दो, ये कर दो, तुम देखोगा मैं खुद ही कर देता हूँ, नहीं तो फिर पापा तो भाई ऐसे चमकाते रहो तो मैं बता नहीं सकता। एक्चुअल में हम लोगों को जाना है गोवा, बट आज हम लोग दिल्ली जाएंगे ऑटो एक्सपो में घूम घाम के आएंगे, मस्त करके मजे करके आएंगे। तो चलो चलते हैं फटाफट से, वैसे लेट हो गया ऑलरेडी। हम लोग का लाइक प्लान था कि हम लोग 8 बजे तक निकलेंगे, बट 8:05 हो चुके हैं। ज्यादा जल्दी जाना आजकल सही नहीं होता ना, क्योंकि कोहरे वाला मौसम हो रहा है, बट आज मौसम जो हो रहा है ना एकदम मस्त दिख रहा है, चमकने वाला मौसम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। लाओ यार मम्मी जी जल्दी जल्दी खिला दो कुछ, फिर निकलते हैं हम भी। हाँ मम्मी अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और क्या कहते हैं मम्मी, कितने दिन के लिए जा रहा तू? मैं आऊँगा वापस तुम्हारा 19 को। आज कितनी डेट हो गई? आज है 14 तारीख। हाँ आज 14 तारीख हो गई, अब मैं आऊंगा वापस 19 को, ठीक है। हम लोगों को बहुत लंबा टूर है, हम लोगों को खाली दिल्ली नहीं जाना, हम लोग एक्चुअली गोवा भी जाना है, बहुत सारी जगह जाना है। दीदी को नहीं, दीदी को खाली दिल्ली तक ही जाना है। मैं दिल्ली नहीं जा रहा, मेरे को मजे करने थोड़ा जा रहा है यार, वहाँ पे शादी आदि में थोड़ा जा रहा हूँ। मैं कर लूंगी, तू मुझे ले जा, मैं कर लूंगी। मम्मी बोल ना, डांट ना, डिक्की को डाल ले जाना पीछे। लाओ मैं तुमको भी लगा दूं पिटिया फिर। मम्मी यार पिटिया तो लगा दिया पर पापा पहला। हाँ मम्मी जी, मेरी मम्मी जी, मम्मी पहला। अच्छा चल दीदी, बाय बाय। हाँ निकलते हैं, हाँ मैं जा रहा हूँ, तो आते रहना। चलो दोस्तों हम लोग निकलते हैं, दीदी आते रहेगी। गाड़ी आज हमारा भाई चलाए। चुपचाप बगल बैठना, बिल्कुल ले जाएगा ना फिर है। हाँ चल बैठ जा, चल हम लोग कहते थे ऑटो एक्सपो जाने वाले थे, बट अभी मेरे को पता चला कि हमें वहाँ 4 बजे जाना था ना कि 2 बजे। तो अभी हम लोग आ रखे, मेरे को थोड़ा सा लाइक गोवा वगैरह के लिए थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी ना अपने लिए कुछ, तो लाइक मेरे को बस थोड़े गर्मी वाले कपड़े लेने, क्योंकि भाई वहाँ अपोजिट हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है गोवा में गर्मी, तुम समझ रहे हो। तो चलो फटाफट से कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं और उसके बाद सीधे ऑटो एक्सपो चलते हैं। सब हम लोग चल ही लेते हैं और हमें अमिताभ सर, एक मिनट पहले जरा मैं अमिताभ सर के, क्या पता हमें भी कुछ फीचर पिक्चर विक्चर मिल जाएगी ना। तो नाइक में दीदी को ये अच्छी लग रही है, आई थिंक मेरे पे कूल लगेगी ये, गोवा में पहनने लायक भी है ना, थोड़ी कूल सी। यहाँ दे, यहाँ एक दिन तो पहनना, एक दिन ठीक है, एक दिन दीदी पहन लेगी, एक दिन मैं पहन लूंगा, लेकिन पैसे इसके पूरे दीदी देंगे। नहीं 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 नहीं। लास्ट टाइम अगर तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने ये लिए थे नाइट, मतलब नाइक के, बट मेरे को बाद में पता लगा कि एक्चुअली स्नीकर्स जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा अच्छे होते हैं लाइक सब कुछ, और लेकिन वो नॉर्मली मिलते नहीं है। तो आज हम लोग एक बंदे से मिलने वाले हैं जो हमको लाइक फर्स्ट हैंड ही है, नए स्नीकर्स ही हैं, बट वो होता है ना जैसे रिटेल शॉप्स टाइप की होती हैं, तो वो है, अभी उनके पास जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं उनके पास क्या शूज होंगे। क्या तुमको पता है कि नाइकी क्या है? हाँ यहीं पर तो है बगल में भाई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई कहाँ पर क्या है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा मॉल नहीं है। फाइनली द शूज आर हियर भाई, ये एकदम लेजिट एकदम मस्त वाले शूज़ है, बिल्कुल पक्का रहा।
मैं फर्स्ट टाइम है कि मतलब मैं ऑफ स्टोर से खरीद रहा हूँ। आपको कैसे उसका नाम क्या? मेरा योर स्नीकर स्टोर। योर स्नीकर स्टोर से मैंने ले रखे हैं। बाकी जैसे मैंने देखे थे वैसे होंगे तो होंगे पक्का ना भाई, मुंह के आगे ऐसा बोल रहे हो भाई। क्या मस्त लग रहा है, तुम्हारे भाई के पास भी अब स्नीकर्स हैं। थैंक यू भाई। भाई मजाक हो रही है भाई, नाइकी के शोरूम के बाहर नाइकी के शूज लिए, बस नाइकी से नहीं लिए। क्या कर रहे हो भाई पार्किंग में, क्या चल रहा है? ये रुकिए, मेरा साइज नहीं है। अभी भी टाइम में चले जाओ वापस, ये छोटा लग रहा है मेरे को। गाइस हम लोग लिटरली पूरे पार्किंग में ही फटाफट से कपड़े वपड़े चेंज करें, अब सीधे चलते हैं ऑटो रिक्शा। थोड़ा कूल लगेंगे ना, अच्छा लगता है थोड़ा, यू नो इतनी बढ़िया जगह पे जा रहे थे, थोड़ा बढ़िया लगेगा तो मज़ा आएगा। तो गाइस चलो यार फटाफट से चलते हैं सीधे ऑटो एक्सपो। दी तू भी चल रही है ना? चलो फटाफट चलते हैं ऑटो एक्सपो सीधे। हम लोग तैयार व्यार हो चुके हैं, हम लोगों ने पूरी तैयारी तो यहीं पर कर ली भाई, अपने लिटरली गैराज में। अब सीधे निकलते हैं और मिलते हैं तुम लोगों से ऑटो एक्सपो में। भाई हम लोग लिटरली पार्किंग में पहुंचे हैं और एक बार पार्किंग की हालत देखो भाई, यहाँ कैसे गाड़ी मिलेगी तुम बताओ मेरे को एक बार, ये यहाँ कैसे गाड़ी ढूंढूंगा मैं अपनी, जब मेरे को एक छोटे से उसमें जहाँ पर सब जगह मार्क है भाई, जहाँ पे हर जगह पे लिखा हुआ था कि भाई यहाँ पर ये है यहाँ पे ये है, वहां पे नहीं मिली। थैंक यू भैया। तो यहाँ कैसे मिलेगी भाई गाड़ी? भाई उधर लिखा हुआ पार्किंग एट योर ओन रिस्क। हेलो, अबे तो मेरी गाड़ी में मतलब कोई हाथ पैर मार के चले जाएगा तो वो मेरा रिस्क है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर आए, मेरे को बहुत सारे लोग मिले, बट मैक्सिमम लोग अभी जा रहे हैं जब हम आ रहे हैं, लाइक बहुत ही कम लोग आ रहे हैं अभी, ज्यादातर लोग सारे के सारे जा रहे हैं भाई यहाँ से। भाई तुम में से ये कौन सा वाला था जिसने बोला लड़की या लड़का? भाई भाई कोई तो मेरे साइड से क्या बोला गेमर प्लेट में कौन सा रहा, लड़की या लड़का? यार भाई यही था गारंटीड। भाई मजाक नहीं कर रहा, मेरी हालत खराब होगी भाई चलते भाई इतना अंदर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे भाई इतने में मैं हल्द्वानी पूरा चल जाता भाई, मेरे को ऐसी फील आ रही है भाई इतना ज्यादा अंदर। और अब पता नहीं शूट कहाँ पर है भाई, वहाँ जाना पड़ेगा। गाइस फाइनली हम लोग ह्यूंडई के पवेलियन हॉल में आ चुके हैं और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम लोग ने अभी इसको रोबलॉक्स में खेला था हाल ही में एक स्ट्रीम पे, और भाई ये लिटरली वैसे का वैसा ही है, लाइक सारी चीजें इधर से उधर एकदम, जैसे यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा वो है क्या कहते हैं लाइक वीआर जोन टाइप का है, फिर आगे को वहाँ पे और सारी चीजें सारी सारी एक्सप्लोर करते हैं। मेरे को आयोनिक 5 और आयोनिक 6 देखना था, वो जाके देखेंगे और वहाँ पर हम लोगों का इंटरव्यू होगा। शीश गाइस ये गाइस प्लान चेंज हो चुका है, नाउ वी आर गोइंग फॉर आयोनिक 6। भाई ये तो भाई लिटरली इलेक्ट्रिक कार लग रही है कहीं से ब्रो, डैम क्या कूल चीज बनाई है भाई, भाई साहब। गाइस अगली कार फाइनल हो गई भाई की। हेलो हेलो सिस्टर्स, हेयर हेयर हेयर, कैसे थी? भाई इतना क्या चिल्लाया आपने यहाँ पे? अरे यार यार पूरी जगह की सबसे ज्यादा भीड़ लिटरली यहाँ पर है, मेरे को भी यही जाना है पूरा, लाइक किड्स वर्कशॉप नहीं वो एक्सपीरियंस ह्यूंडई मेटावर्स में, क्योंकि ये चीज हम लोग ने एक्चुअल में लाइक रोबलॉक्स वो सारी चीजों में खेली थी, बट मेरे को अब अंदर जाके देखना है पूरा रिव्यू, लोग लिटरली खेल रहे हैं ब्रो, मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि लोग रोबलॉक्स खेल रहे हैं उसमें। गाड़ी आपको सीखनी थी हमसे बोल लेते मस्त मस्त लगे रहो मस्त, ये तोड़ दूंगा मैं ये स्कोर। चलो गाइस फाइनली वी कैन गो इनसाइड और मेटावर्स हम लोग देख सकते हैं क्या सीन है क्या नहीं है अंदर। भाई यहाँ सारे के सारे ह्यूंडई मोबिलिटी एडवेंचर में खेल रहे हैं भाई, रोबलॉक्स देख रहे क्या उतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन पे, ये कूल है भाई। हेलो यार ये ऐसा ऐसा रूम तो मैं भी डिजर्व करता हूँ यार। जोन 3 एंड आई एम इन द मोस्ट ऑसम एंड लव जोन, कैन आई टेक अ पिक्चर? वाइन कितनी प्यारी थी ना गाइस यार, रील वील तो शूट हो गई, अब मस्त करके क्या कहते हैं इंटरव्यू जैसा देना तो वो जाके देके आते हैं यहाँ पर। भाई वो बहुत ज्यादा कूल रूम है, लाइक बाहर इतनी आवाज आ रही है बट अंदर से कुछ हल्की सी भी आवाज नहीं आ रही है, बाहर बहुत ज्यादा मस्त है।
ऑन एयर Hyundai स्टूडियो, लेट्स गो गाइस। ओह गाइस क्या कर रहे यार, अनदर डे एट ऑफिस। बहुत बहुत काम है यार, यू नो लाइक यार थक गया मैं तो। तो हमने यहाँ पर रखा है एक बहुत क्यूट सा सुंदर सा जानवर जिसको देखने के लिए लोग आए हुए हैं, और वो है हमारा प्यारा प्यारा भैया। भाई फाइनली डन विद द इंटरव्यू, क्या नेक्स्ट लेवल सक्सेस भाई, मजा आ गया। ओ भाई साहब, भाई वो फोटोज मेरे को भी देना right, ऐसा नहीं कि हाँ वैसा बाद में नहीं दिया। हम लोग जाने वाले हैं यहाँ अंदर। तुम्हें पता नहीं यहाँ अंदर क्या हुआ था? तो दो दिन पहले यहाँ पर शाहरुख खान सर आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना वो लेजेंडरी पोज मारा था, तो उसकी मैं 2 रुपए की सस्ती कॉपी अभी अंदर जाके करने वाला हूँ। ऐसे सिनेमैटिक बनाएंगे, ऐसे पीछे को ले जाना जैसे मैं, अरे अभी नहीं यार, जिस समय मैं ऐसा हाथ खुलूंगा तो ऐसे पीछे को ले जाना, ठीक है? रेडी 1 2 3। और इसी के साथ गाइस फाइनली हमारा ऑटो एक्सपो का पूरा एक्सपीरियंस खत्म हो गया। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, रुको यार, थोड़ी भीड़ कम हुई है, तुम्हें एक और बार दिखा के लाता हूँ। भाई ये ना, ये जब भी आएगी, मुझे नहीं पता कब आएगी, बट ये गाड़ी तो तुम्हारा भाई लेगा। भाई क्या दिखने की गाड़ी है भाई, इलेक्ट्रिक कार लग रही है वो कहीं से। भाई साहब देख रहे हो क्या क्रेजी गाड़ी है भाई ये, भाई क्या गाड़ी है, देखो तुम लोग, डैम भाई ये तो भाई फेवरेट हो गए मेरी सीधे। चलो भाई काम धंधा हो गया, अब हम सारे के सारे चल रहे हैं घर को साथ में। चले छुट्टी हो गई अब। मेरा स्कूल चल रहा था दोस्तों अभी तक का, अब मेरी छुट्टी हुई है, चलो घर को। काश घर को जा पाते भाई कल को सुबह। पता है आपको कल को सुबह हमारी कितने बजे की फ्लाइट है? सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, हम लोग को 5 बजे एयरपोर्ट पहुँचना पड़ेगा। ऐसी छुट्टी नहीं चाहिए थी भाई, लेकिन अगर हम लोग अगर वो अवार्ड हम लोग जीत गए ना तो आएगा मजा। भाई वो देख रहे हो, दूर से देख रही है अपनी गाड़ी, वहाँ खड़ी हो। देखो कुछ याद करने की जरूरत नहीं, पार्किंग वार्किंग भाई। भैया थोड़ा सा गाड़ी हटाइए यार, आगे से मैं दिखा रहा हूँ लोगों को यार, गाड़ी बो रही है हमारी गाड़ी, देख रहा हूँ। वाह चलो भाई फटाफट, मैं तो थक गया हूँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे से गाड़ी कैसे चलेगी पता नहीं। भाई फटाफट चलो करण भाई के घर पे और वहाँ पे गाड़ी खड़ी करो, फिर सीधे दीदी के घर जाओ। मैं सो रहा हूँ, मुझे खाना भी नहीं खाना है भाई, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो भाई। भाई क्या सपने संजोए थे मैंने, जाऊंगा सोऊंगा दीदी के वहाँ। भाई पूरा जाम है भाई, लाल हो रखा है ये देख रहे हो तुम लोग, पूरा का पूरा। अब पता नहीं कब पहुंचते दोस्तों, स्टे ट्यून्ड, पता नहीं कब सोने को मिलेगा, 2 घंटे की नींद पे चल रहा हूँ पूरा दिन यार। करण भाई वंस अगेन कमिंग इन विद द क्लच, आपका करण भाई स्वागत है, थैंक यू करण सिंह मैजिक कराते। गाइस तो आज मैं आया हुआ एक्सक्लूसिव करण सिंह पार्किंग में। करण सिंह पार्किंग 3.5 करोड़ रुपए दिहाड़ी, 4 दिन के लिए लगानी है आपको तो 12 करोड़ रुपए लगेंगे। मैथ थोड़ा वीक है मगर भाई, वो अपनी मर्सिडीज और ये BMW तो पीछे करो, मैं बाहर निकाल रहा हूँ भाई, इससे बढ़िया एयरपोर्ट में खड़ी कर दूंगा, थोड़ी गंदी हो जाएगी गाड़ी और क्या होगा भाई, गंदी में यहाँ भी कर दूंगा। अच्छा मैं भी तो नहीं हूँ यहाँ पे। अरे ये भी तो गोवा आ रहे हैं, अरे ये भाई